हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 देखेंगे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि उस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। बट यहाँ पर ये तीनों फंक्शन रहेंगे ही, बट एक और जुड़ गया जिसे हम लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथमिक का भी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। अब चलिए, हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 देखना है इस वीडियो में। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? करा डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमारा फंक्शन दिया है, करा आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। ये देखिए इसमें किस टाइप के, ये देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है। अगर ये पूरे के देखिए और अंदर देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। देखिए तीनों मिक्स है। अब इसका क्या करते हैं, पहला रूल हमारा क्या क्या है? पहला रूल हमारा है कि हम कोई भी फंक्शन हो, लेट इक्वल टू हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, जो मर्जी करे मानो, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलिए हम वाई मानते हैं। लेट वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, गिवेन फंक्शन है। क्या है दोस्तों, हमारा गिवन फंक्शन है। अब हमारा स्टेप नंबर सेकंड क्या है? ये तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था कि हम फंक्शन को y के इक्वल टू मानते हैं। बट अब क्या करेंगे, हमें देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, निकालेंगे ना। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव आप ये हमारा जो फंक्शन है पूरा, देखिए साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, इसका अब हम निकालेंगे साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। ये देखिए ब्रैकेट में कुछ भी है फ्रेंड्स, इससे हमें मतलब नहीं है कि हमें ब्रैकेट में क्या लिखिए, लेकिन हमारा बाहर क्या देखिए साइन है। अब आपको पता है पिछली कई वीडियोस हम लोग देखते आ रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है साइन का, तो सिंपली कॉस होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ कॉस लिख लेंगे जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए कॉस, अब ब्रैकेट में हमारा जो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, हम वो टोटली उतार लेंगे जो भी है। देखिए टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, इससे हमारा मतलब नहीं है, इससे तो हम अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन हमारा जो ब्रैकेट में यहाँ बाहर देखते हैं साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव ओनली करते हैं, करते हैं ना। अब देखिए जब साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस हो जाएगा, और जो भी हमारा ब्रैकेट में है देखिए वो हम लिख लेंगे। अब टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है तो लिख लिए टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा है, अब इसका हम अलग से करते हैं क्या, अगर यहाँ साइन एक्स ओनली रहता तो एक्स का तो हम दर्शाते नहीं है क्योंकि एक्स का वन होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए इसका जब अलग से हम निकालेंगे टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का, ये किस फॉर्म में है एक बार ध्यान से देखिए, किस फॉर्म में है, ये मल्टीप्लीकेटिव के फॉर्म में है। नहीं फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लीकेटिव के फॉर्म में नहीं है, ये टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है। ये देखिए इनवर्स में अभी जाएगा, किस में जाएगा फ्रेंड्स, ये इनवर्स में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब इसका फार्मूला क्या हुआ करता है, वेरी सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का पता है, कॉस इनवर्स एक्स का पता है, और टेन इनवर्स एक्स का भी पता है। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फार्मूला फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, देखिए टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का होता है वन अपान, देखिए ये तो हमारा दिया है कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ये तो हम लिख लेंगे। लेकिन हमें अब क्या लिखना है, अब यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ अगर एक्स ट्रीट करें तो हमारा क्या होगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, ई पावर माइनस एक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपान वन प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ करता है फ्रेंड्स, हम अपने लग से नहीं लिख रहे हैं कि हम अपने पास से लिख दे रहे हैं, चाहे जो आए मन में लिख दे, नहीं, ये फार्मूला हुआ करता है, जो टेन इनवर्स एक्स का एक डेरिवेटिव में फार्मूला हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स है, तो ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो ई पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर ओनली एक्स होता तो नहीं दर्शाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स है, अरे ये तो अलग होगा, हाँ तो इसका हम अलग से ही डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हुआ ना ई पावर माइनस एक्स का क्या होता है, और सिंपली सोच के बताइए क्या होता है। अब आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है कि ई पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स का क्या होता है,
वेरी सिंपल, ई पावर एक्स का चाहे इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशिएशन हो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। देखिए यहाँ पर क्या है, ई पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का अलग से होगा दोस्तों। इसका नहीं कि हम ई पावर ही माइनस एक्स ही लिखे, नहीं, अगर ई पावर एक्स ही होता है तो हम क्या लिखते हैं, ई पावर एक्स ही होता है तो इक्वल टू ई पावर एक्स ही लिख देते हैं। हाँ तो वो सही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आगे दे दिया है तो हम माइनस का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, हमारा कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है तो इसे हम सेम उतार लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या, वन अपान वन प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे हम सिंपली उसे उतार लेंगे। अब ई पावर माइनस एक्स का तो ई पावर माइनस एक्स पहले लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है फार्मूला में आपको पता है, फिर इसका माइनस एक्स का अलग से करेंगे। ओनली एक्स होता तो करते तो पता नहीं चलता, क्योंकि वन होता है एक्स का ओनली, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स है तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, क्या होगा एक्स का वन होता है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, आपको इजीली पता है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब देखिए हम लिख लेंगे कॉस टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू वन अपान वन प्लस ई पावर माइनस टू एक्स, हो गया ना। अब हम क्या लिखेंगे, इन टू ई पावर एक्स तो है ही है, अब हमारा माइनस एक्स का माइनस वन कैसे होता है ये जान लीजिए। देखिए एक फार्मूला हुआ करता है, एक्स पावर एन का क्या होता है डेरिवेटिव में फार्मूला, एक्स पावर ए एन पावर आगे आता है और एक्स एक्स पावर में से एक घट जाता है, तो क्या होता है फार्मूला, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर वन है, अब सिंपल है एक्स पावर में से वन आगे आएगा, कहाँ आएगा आगे आएगा, तो वन देखिए आगे आया, अब फिर एक्स पावर में से ई घटेगा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स पावर जीरो। अब आपको पता है फार्मूले में आपको दिखा दे रहे हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी बेस कुछ भी हो अगर उस पर वैल्यू जीरो है, वैल्यू जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन होता है, देखिए ध्यान से देखिए वन होता है ना, तो हम क्या लिख लेंगे सिंपली हमारा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई पावर माइनस एक्स इंटू अब माइनस एक्स का माइनस वन हो गया, देखिए कितना सिंपल, कुछ करना ही नहीं, ओनली फॉर्मूला याद है तो हम लिखते चले जाएंगे, क्या करते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए अब टोटल इसको सजा कर लिख लेंगे, ऐसे तो यही तो हमारा आंसर है, यही ना हमारा आंसर है, इससे में आप क्या करना है, लेकिन अगर सजा के लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा ई पावर माइनस एक्स माइनस वन आगे आ जाएगा, हुआ ना माइनस ई ई पावर माइनस एक्स। अब हमारा उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रम के अनुसार कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स अंश में हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए हमारा ये बटे में जो है वन प्लस ई पावर माइनस टू एक्स, ये लिख लेंगे वन प्लस ई पावर माइनस टू एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, ओनली हमें क्या करना था, बस क्वेश्चन को देखकर फार्मूला क्या रखना है फार्मूले के फॉर्मेट से ओनली वही लिख देना है, कुछ सोचना ही नहीं, ओनली अगर फार्मूला फ्रेंड्स याद है तो आप कोई भी सवाल डेरिवेटिव का कर देंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिए, कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू द फंक्शन। अब हमारे देखिए फंक्शन जो दिया है, अभी हमने क्या बोला है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा ना, अब देखिए यहाँ पर किस टाइप के फंक्शन है, एक ही में कितने टाइप के फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, नहीं सॉरी एक क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, देखिए कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल है और ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, देखिए तीन फंक्शन एक ही में, और ऊपर भी तीन ही थे, देखिए ऊपर भी तीन है, जितना ही आगे जा रहे हैं हम डेरिवेटिव में फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के हमें फंक्शन मिल रहे करने के लिए, तो इससे हमें डरना नहीं है, ओनली हमें फेसेस करना है। अब देखिए रूल बस फॉलो करेंगे सारा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से लगता जाएगा। अब देखिए पहला स्टेप क्या है सॉल्व करने का, हम लेट वाई इक्वल टू करते हैं, लेट मानते हैं ना, अब चाहे आप जेड मानिए कुछ भी मानिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, ओनली एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो सेम ही बात पड़ेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप तो लेट करना है मानना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए वाई का क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं ना। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग का क्या होता है, पहले हम रिप्रेजेंट कर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस ई पावर एक्स, हम रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि लॉग का क्या होता है, क्या हमने बोला लॉग का पता होना चाहिए, देखिए अब लॉग का फॉर्मूला क्या हुआ करता है डेरिवेटिव में,
अब देखिए log x है ना वहां पर, लेकिन यहाँ cos e power x है, लेकिन अभी हम ट्रीट करेंगे log only ब्रैकेट में जो भी उसे हम नहीं वैल्यू देंगे, ओनली अब अभी cos यहाँ x ट्रीट करते हैं, log x ट्रीट करते हैं। अब देखिए log x का क्या होता है, 1 upon x लिखते हैं, जो भी है क्वेश्चन में देखिए x है तो 1 upon x लिखते हैं, लेकिन वहां पर देखती है देखिए क्या है, यहाँ पर तो हमारा cos e power x है, अरे तो x से ज्यादा है, हाँ भले ही ज्यादा है वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos e power x ही लिखेंगे बटे में। तो देखिए log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon cos e power x, जो भी ब्रैकेट में होता है हम लिख लेते हैं, देखिए cos e power x है तो सेम वही लिख लिए, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ओनली हमें क्या करना है फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले के फॉर्मेट में हमें रख देना है। अब चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, अब ब्रैकेट में जो कुछ भी होता है अगर एक्स होता है तो एक्स क्या करते हैं पता नहीं चलता क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ cos e power x है दोस्तों ये डिफरेंट है, तो सेम इसका भी अलग से हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे हम देखिए पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं इसका अलग से tan इनवर्स e power minus x का अलग से डेरिवेटिव निकाले है ना, देखिए तो इसका भी हम क्या करेंगे अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए जब अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे cos e power x का, अब आपको ध्यान में चल रहा होगा अरे cos है ये तो ब्रैकेट में कुछ भी है उससे मैंने मतलब, अब दिमाग में चल रहा है cos है, अब cos का क्या होता है, हाँ आपने सोच लिया साइन होता है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस साइन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स माइनस साइन होता है cos का, तो हम क्या लिखेंगे माइनस साइन ई पावर एक्स, ये ब्रैकेट में जो भी उसे हम ध्यान नहीं करेंगे उसे हम निगलेक्ट करेंगे। अब क्या हमारा हो गया, देखिए ये तो हमारा पहले से है वन अपान कॉस ई पावर एक्स, ये तो हमारा हो गया, अब देखिए कॉस ई पावर एक्स है, अब आपको दिमाग में तो चल ही रहा है कॉस का माइनस साइन होता है, हाँ माइनस साइन होता है तो लिख लिए माइनस साइन, अब क्वेश्चन में ब्रैकेट में जो भी है वो लिख लेंगे, e पावर एक्स है तो e पावर एक्स ही लिख लेंगे, उसे कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओनली एक्स होता तो नहीं लिखते, लेकिन हमारा ई पावर एक्स है, हाँ ई पावर एक्स को तो डेरिवेटिव होता है, क्या होता है हाँ ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता है, कोई चेंज नहीं, तो हम अलग से लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, तब हम क्या करेंगे वन अपन कॉस ई पावर एक्स तो हमारा है ही है, अब देखिए माइनस साइन ई पावर एक्स तो है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है ई पावर एक्स का, तो अभी पिछले में माइनस हमारा हो गया है, यहाँ पर देखिए माइनस वन हो गया, क्यों हो गया क्योंकि e पावर माइनस एक्स था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर ओनली e पावर एक्स है तो हम क्या करेंगे ओनली e पावर एक्स ही लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देखिए अब लिख लेंगे वन अपान कॉस e पावर एक्स, यहाँ लिख लेंगे पहले अब सजा कर लिखेंगे ना, तो पहले हमारा e पावर एक्स आएगा ना, तो माइनस यहाँ यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को हम पहले लिखेंगे e पावर एक्स, अब साइन e पावर एक्स हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए नहीं तो, अब देखिए अब वन अपन कॉस ई पावर एक्स है तो यहाँ बटे में कॉस ई पावर एक्स हम लिख लिए हैं, अब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ई पावर एक्स है कॉस ई पावर एक्स, अरे क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं टेन ई पावर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा ई पावर ए माइनस ई पावर एक्स टेन ई पावर एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कितना है जी, कुछ करना ही नहीं है, सेम सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से लग रहे हैं, बस फार्मूला याद है कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थर्ड क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए कैन आई डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सारा किसके रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स करना है एक्स के ही रिस्पेक्ट में। अब यहां पर देखिए ध्यान से दिया है क्वेश्चन ई पावर एक्स दिया है प्लस ई पावर एक्स पावर टू दिया है प्लस ई पावर एक्स पावर क्यू दिया है प्लस e पावर x पावर 5, यहाँ बीच में भी है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ बीच में भी है 3 से 4 वाला नहीं दर्शाया गया है क्योंकि डॉट डॉट का मतलब वही होता है बीच वाला वैल्यू। अब देखिए इसमें तो कुछ करना थोड़ा ना है, अब लेट हमारा पहला रूल रूल बस फॉलो करते जाए, हमें देकर क्वेश्चन है डाला, अरे ये तो अलग टाइप थी ये कैसे सॉल्व होगा, नहीं दोस्तों सेम उसी तरीके से ही सॉल्व होगा, कोई चेंजेस नहीं है। स्टेप नंबर हमारा पहला क्या है, पहले हम लेट y इक्वल टू लिखते हैं e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब प्लस e पावर x पावर 4 प्लस e x पावर 5, सेम अपन अपना क्वेश्चन उतार लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी हैव क्या, अब देखिए दर्शा लेते हैं y का तो क्या हम दर्शाएंगे dy / dx, दिस हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। अब हम जब इसे लिखेंगे e पावर x को e पावर x स्क्वायर को तो हम क्या लिखेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर टू e पावर
एक्स फाइव, यहां तक अब हम लिख लें। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हुआ करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से कितना इजी है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ओनली हमारा e पावर x था, तो e पावर x का e पावर x ही लिखते थे ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो e पावर x है, हाँ एक e पावर x है, तो इसका हम क्या लिख लेंगे, एक e पावर x ही लिख लेंगे। लेकिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, ये नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट e पावर x स्क्वायर का है। अरे यहाँ e पावर तो x स्क्वायर है, इसे कहा कैसे करें, नहीं सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन क्या यहाँ पर चेंज है, e पावर कुछ भी रहे तो पहले हम सेम उसका लिख लेते हैं, सेम वही वैल्यू उतार लेते हैं, प्रिंट सेम टू प्रिंट कर लेते हैं। अभी पर तो एक्स हम कर एक्स स्क्वायर कर लिए। अब इसका जो इसके पावर है एक्स का भी, इसमें भी देखिए एक्स का भी हुआ, लेकिन एक्स का वन होता है इसलिए हम नहीं दर्शाए हैं। यहाँ पर देखिए ई पावर एक्स स्क्वायर है, इसे हम दर्शाए हैं, इसे हमें कर कर दिखाना होगा, क्योंकि ई पावर एक्स स्क्वायर है, देखिए पावर ज्यादा है। यहाँ पर तो वन हो गया एक्स का, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब आपको पता है कैसे होगा, क्योंकि देखिए एक्स पावर एन का फार्मूला क्या हुआ करता है, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन हुआ करता है ना। अब यहाँ पर टू है तो टू आ गया, 2x हुआ। अब एक्स में से टू में से वन जाएगा तो ओनली वन बचेगा, तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, देखिए ई पावर एक्स तो हमारा है, अब यहाँ उतार लिए प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे, ई पावर एक्स क्यूब का करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सात करते चल रहे हैं दोनों का, ताकि इजी हो हमें करने में, क्या हो इजी हो। अब देखिए अभी पावर एक्स क्यूब का सेम इसी तरीके से होगा, किस तरीके से दोस्तों, सेम इसी तरीके से। अभी पावर एक्स क्यूब है तो ई पावर एक्स क्यूब सेम लिख लिए, अब इनटू हम क्या लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ बस ओनली देखिए टू के प्लेस पे क्या है, थ्री है और कुछ तो है ना, तो सेम उसी तरीके से थ्री आगे आएगा और एक घट जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ई पावर एक्स क्यू तो है सेम वही तो गया सेम। अब हम फाइव तक ऐसे कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई पावर एक्स फोर इंटू फोर एक्स थ्री पावर थ्री है फ्रेंड, प्लस ई एक्स पावर फाइव इंटू फाइव एक्स फोर। देखिए कितना है जी, कुछ करना है नहीं, सेम जैसे ये हुआ है सेम ये हुआ है, कुछ करना है दोस्तों नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसे हम सजा कर लिख लेंगे, क्या करके लिख लेंगे, सजा कर लिख लेंगे। e पावर x पहले आएगा, हाँ e पावर x। अब देखिए यहाँ पर 2x है तो 2 पहले आ जाएगा, 2x e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब। अब देखिए ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फ्रेंड्स, क्या है एक्सपोनेंशियल है, तो हम एक्सपोनेंशियल के ही फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 4x क्यूब e पावर x फोर प्लस 5x फोर e पावर x फाइव। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, सजा कर लिखने पे आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। देख कितना है जी, कुछ करना ही नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी दोस्तों डरने की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। और हाँ दोस्तों प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 12th की टोटल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और यहाँ तक कि कई चैप्टर कंप्लीट भी हो गए हैं और एक्सरसाइज 5.4 चल भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। और पूरा देखने के बाद दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।